विंश शताब्दीर राजनैतिक इतिहास रे पश्चिम एशिया एक समस्या बहुल भूखंड भावरे परिगणित होइछि। आंचलिक विवाद और संघर्ष, राजनैतिक आंदोलन और अस्थिरता, बृहत शक्तिमानंकर हस्तक्षेप और अभिसंधिमूलक निष्पत्ति आदि कारण जोगु एही अंचल रे थिबा देशगुड़िक अशांत परिवेश मध्यरे गति करुथुबा देखा जायछि। निरंकुश राजतंत्र, अपरिपक्व गणतांत्रिक व्यवस्था, उग्र जातीयता, मध्ययुगीय धर्मांधता एवं सामाजिक अनग्रसरता प्रभृति जोगु पश्चिम एशियार लोकमानंकर अवस्था सुखप्रद रही पारि नाही। धीरे धीरे समय बदलिला, किंतु पश्चिम एशियार लोकंको मानसिकतारे केते परिवर्तन हैला ताहा एक भिन्न प्रश्न। एबे इस्राएल जहा घटुछि ताहा विनाशर आउ एक अध्याय। इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध एबे एमिति मोड़े पहुंची जाइछि जे लागुछि जेमिति एठारु ही बाजिब तृतीय विश्वयुद्धर बिगुल। नमस्कार, मु तपन। तेबे चलंतु आरंभ करिबा हमर आजिर स्पेशल रिपोर्ट। इस्राएल की इंटेलिजेंस भाप नहीं पाई कि हमास इतना बड़ा अटैक तैयार कर 5000 रॉकेट एक साथ फायर करने, ये इजराइल के लिए बहुत सरप्राइज वाला फैक्टर आ गया। इजराइल की ताकत अतः ताकत है और उस ताकत के साथ वो पूरी तरीके से लड़ भी रहा है। इजराइल डिपेंड कर सांघातिक हेउछि युद्ध, खोजी खोजी बदला नेउछि इस्राएल। हमास उपरे भारी पड़ुछि इस्राएल डिफेंस फोर्स। घन घन मिसाइल, तोप और रॉकेट माड़ करुछि इस्राएल। एबे गाजा संसद उपरे आक्रमण करिबा पई रणनीति आरंभ करिछि इस्राएल। सेपटे युद्ध को भयंकर मोड़े परिणत करिबा पई बड़ चैलेंज दैछंती इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। गाजा स्ट्रिप रे अग्नि वर्षा, प्रतिशोध नेउछि इस्राएल। इस्राएल रो प्लान ध्वंस हेवा हमास। इस्राएल प्रधानमंत्री को बड़ा चेतावनी आरंभ करछंती सेमाने, शेष करिबु आमे। इस्राएल रु आरंभ विश्व युद्ध। भयंकर युद्ध। रूसिया यूक्रेन युद्ध को 20 मासरू अधिक बीती बेले एभली भयावहता देखा एजाए मिलेनि, जहाँ इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध में देखा मिलुछि। युद्ध को मात्र 4 दिन होछि, किंतु ग्राउंड जीरो स्थिति देखी हेनी। ये होछि गाजा स्ट्रिप स्थिति। इस्राएल लगातार एयर स्ट्राइक रे गाजा स्ट्रिप पूरा छरखार। गोटे गोटे रॉकेट माड़े मटी में मिशुची सुटालिका। गाजा स्ट्रिप्र जनबसती अंचल को मुख्यतः घन घन आक्रमण कर लगी इस्राएल। शनिवार घर आसी मंगलवार है पुणी से दिन हो राति गोटे मुहूर्त भी बंद होनी आक्रमण प्रति आक्रमण जारी रही रॉकेट और बोमा माड़। एक्चुअली 3 फेलियर रहे हैं। इस्राएल की इंटेलिजेंस भाप नहीं पाई कि हमास इतना बड़ा अटैक तैयार कर रहा है, और वो भी गाजा पट्टी है जो कि सारी चारों तरफ से, तीनों तरफ से इजराइल से घिरी हुई, चौथी तरफ पानी है, समुद्र है। तो इंटेलिजेंस इसको भाप नहीं पाई। 7 रु अधिक स्थान में संघर्ष जारी रही। घन घन मिसाइल, तोप, रॉकेट माड़ भी होती। निज सेना को समग्र गाजा स्ट्रिप कब्जा करने को निर्देश देछि इजराइल। सेना को विपुल परिमाण अस्त्रशस्त्र, युद्ध विमान और अन्य सामग्री जोगाई दि जाए। गाजार एक शरणार्थी शिविर उपर मध्य मिसाइल माड़ होछि। अतर्कित हमलार खोजी खोजी बदला नेउछि इस्राएल सेना। You will see something that I don't think that even I can describe what is going to be. It's going to be very hard retaliation. शनिवार भोर इस्राएल अनुप्रवेश सह घन घन रकेट माड़ करथिला हामास आतंकवादी संगठन जहाको गुरुत्वर सह नहीं इस्राएल डिफेन्स फोर्स। हमास को सीधासख चेतावनी देइछंती इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। हमास आरंभ करिछि इस्राएल शेष कर। इस्राएल युद्ध चाहू नथिला, इस्राएल उपरे युद्ध लदी दियागला। इस्राएल युद्ध निश्चित जितब एवं मध्यप्राच्यर भूगोल बदलाइ देव बोली कहिछंती नेतान्याहू। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. मात्र 4 दिनर प्रति आक्रमण रे गाजार नक्शा बदलाइ देलानी इस्राएल। एबे टार्गेट रे गाजा स्ट्रिप। बेसामरिक मंत्रालय को मध्य टार्गेट रे रखिछि इस्राएल सेना। सेपटे इस्राएल एरिया 1500 अधिक हमास आतंकवादी मृतदेह मिलता इस्राएल सेना कहिछि। ए हेउछि युद्ध विभीषिकार दृश्य। देखंतु आकाशर दृश्य आ ग्राउंड रे तार प्रभाव। गाजा स्ट्रिप रे इस्राएल सेनार काउंटर आटाक पर ए हेउछि सेई ध्वंस लीलार चित्र। तो इस प्रकार से जो उनके ऊपर रॉकेट अटैक, साथ ही साथ जमीन, हवा, समुद्र, टनल, हर तरह से अंदर आके सेना के बेसिस पर सिविल इलाकों में, बिल्टअप एरिया में घुसना, तो ये वाकई में इजराइल के एक आज बहुत बड़ा चैलेंज है। इजराइल अनेक लोकों को अपहरण करिनेछि हमास आतंकवादी संगठन आउ सेमानंकु पणबंदी रखेबे इजराइल को देउछि धमक। गाजा स्ट्रिप को इजराइल पानी, बिजुली और खाद्य जोगाण सबकि बंद कर देथिया बेले हमास देछि धमक। पणबंदी को हत्या करने को धमक देछि हमास आतंकवादी संगठन। I wanted to come here tonight to stand with you in solidarity in Israel's hour of need. As the Prime Minister of this country, I am unequivocal. The people who support Hamas are fully responsible for this appalling attack. 1990 दशक गाजा स्ट्रिप को नहीं इजराएल और पालेस्टाइन लिबरेशन संगठन मध्य होता ओसेलो शांति चुक्तिनामा जहाको ग्रहण करने को नाराज निषिद्ध आतंकवादी संगठन हमास। 2006 रे पालेस्टाइन संसदीय निर्वाचन जीतवा पर 2007 रे गाजा को संपूर्ण नियंत्रण को नेथिबा घोषणा कला हमास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। युद्ध भितरे बड़ प्रश्न काहींकी फेल मारिला इस्राएल। इंटेलिजेंस फेल हेबा सहित काहींकी काम देलानी आयरन डोम। विश्वर सबुठारू एडवांस डिफेन्स सिस्टम काम न देबा भी एक बड़ आश्चर्यर विषय। तेबे चलंतु देखिबा ए रिपोर्ट आउ जानिबा आयरन डोम विषय रे किछि तथ्य। फेल मारिला इस्राएल रो आयरन डोम। काम दलानी इस्राएल रो एडवांस डिफेन्स सिस्टम। इस्राएल मोबाइल ऑलवेदर एयर डिफेन्स सिस्टम, राफेल एडवांस डिफेन्स सिस्टम एवं इस्राएल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित आयरन डोम हेउछि इस्राएल रो सबुठु शक्तिशाली एयर डिफेन्स सिस्टम। 4 किलोमीटर 17 किलोमीटर पर्यंत लक्ष्यभेद करुवा यह हथियार शॉर्ट रेंज रॉकेट एवं आर्टिलरी सेल को ध्वंस करिथाय। किंतु एबे इस्राएल को बंचाइबार यह संपूर्ण भाव विफल होइछि। 2006 मसीह जितेबाला लेबानन युद्ध होता से समय शॉर्ट रेंज मिसाइल को इजराइल बॉर्डर पक्षर इजराइल को आक्रमण होता। इजराइल सैन्य जाकि मुतयन होता और आक्रमण चलता। तेज इजराइल चिंता करथिला जे इजराइल प्राय सबुबले ही एपड़ी रॉकेट माड़ किसी ना कि देखा दी थाए। तो इजराइल से व्यस्त न हो किपरि ऑटोमेटिकली से सिस्टम रखिए जहाँकि मिसाइल की आटा किसी आसला माने से ऑटोमेटिक माने डिटेक्ट करके नष्ट करदेबे। सेनार कौन आवश्यकता पड़ो ना। ताकू से आखि आगे रही 2006 मसीह से यही आयरन डोम सिस्टम कथा चिंता करथिले एवं 2006 मसीह आयरन डोम बनाइबे बोली मस्थिर कले। 2011 रे कार्यक्षम होइतला ही हथियार स्वदेशी ज्ञान कौशल रे यहाको निर्मित करा जिबा परे यह गाजा ऑपरेशन रे सफल होइतला। ये जो इस्राएल जो 2006 मसीह विचार को आनी जे आम बनवा निज स्वदेशी ज्ञान कौशल खर्च करके 2011 मसीह कार्यकारी है। दीर्घ दिन रिसर्च पर ये स्वदेशी ज्ञान कौशल मध्यम 2011 मसीह कार्यक्षम कराला। 2011 मसीह जितेबाला आक्रमण होता एप्रिल 7 मसीहा 2011 मसीह जो गाजा पक्षर एक रकेट माड़ होता है सफलतार सहित टेस्ट कराई से रकेट को आकाश आकाश ही नष्ट कर देता। केवल इस्राएल नुहे अमेरिकार ज्ञानकौशल लगी तेरे कौन यार विशेषतः आसतु जाना। स्पेस सिस्टम इस्राएल केवल एकाकी नुह यूएस बा अमेरिकार डिफेन्स सिस्टम याद लगी तार ज्ञानकौशल ए लगी। दुई देशर मिलित सहायता और मिलित खर्चर यही आयरन डोम सिस्टम बनाई जहाँकि विश्वर सबुठारु एडवांस डिफेन्स सिस्टम बोली कहुई। आयरन डोम सिस्टम टी ऑटोमेटिकली प्रथम पर्यायर ऑटोमेटिकली आकाश में राडार सिस्टम माध्यम से आग डिटेक्ट करे मॉनिटर करुए सब किसी विपद आसू कि वान्स मॉनिटर करके डिटेक्ट हो गला हाँ किसी गोटे विपद बा रॉकेट आसूची सी तत्क्षणात निजर एडवांस एल्गोरिदम को यूज करके तार स्पीड केते मिसाइल स्पीड केते रॉकेट रो केते स्पीड आड़ को मुहाउची तार केते भयावह हो पारे से अति क्विकली से कौन करे ना तार एल्गोरिदम माध्यम कैलकुलेट करनी और संगे संगे तृतीय पर्याय तार एक्टिव हो जाए ऑटोमेटिकली तार सिस्टम एक्टिव होबो एवं प्रति आक्रमण स्वरूप ए आयरन डोम टी से जो रॉकेट ऊपर बम्बा माड़ करबो। विभिन्न देश को डिफेन्स सिस्टम रप्तानी करता इस्राएल किंतु ए युद्ध रे एते बड़ भूमिका निभाई इस्राएल रो शक्तिशाली अस्त्र फेल मारिले भी आगुए निश्चित भाव सफल हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एज ओडिया। एबे नै जिबा एको छोटिया ब्रेक आ ब्रेक पर देखिबा इस्राएल युद्ध रे अमेरिका रो भूमिका ओ दुई फाल विश्व। ब्रेक पर स्वागत। इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध को नहीं सारा विश्व एको भयंकर स्थिति रो सामना करिबा को जाउछि कारण युद्ध एबे केवल दुई देश भितरे सीमित होई रही नाही। इस्राएल को समर्थन घोषणा करी अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी इटालीर मिलित घोषणानामा हमासर आतंकवादी कार्यकलाप को निंदा करी सेमाने करिछंती समर्थन घोषणा। अन्यपटे रूसिया मध्य एही युद्ध रे एंट्री मारिछि। देखिबा इस्राएल युद्ध को नहीं दुई फाल विश्व। इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध दुई फाल विश्व। पुतिन को चक्रव्यूह रे बाइडेन इस्राएल बचाइबे ना यूक्रेन सदर कौन इस्राएल आरंभ हो तृतीय विश्वयुद्ध। इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध यह एक भयंकर संकटजनक स्थितिर सामना करने सारा विश्व कारण युद्ध एवं केवल दुई देश भितर सीमित हो रही नहीं। इस्राएल को समर्थन घोषणा करी अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी इटाली मिलित घोषणानामा हमास आतंक कार्य को निंदा कर इस्राएल को समर्थन घोषणा कर सेपटे पालेस्टाइन को समर्थन कर लेबानन ईरान तुर्की और इजिप्ट भली देश। इस्राएल सपक्ष में कौ कौ मैंने बड़ देश अच्छा देखा ताले यूएस रही अमेरिका रही सबुठ बड़ सहायताकारी माने कल बल कौशल धन सामरिक साहाय्य सबकि जोगेब बोली ब्रिटेन माने स्पष्ट भाव में अमेरिका कही सारी ब्रिटेन प्रतिश्रुति देती। यूके रही ऑस्ट्रेलिया रही फ्रांस रही नॉर्वे रही ऑस्ट्रिया रही समस्त यूरोपियन यूनियन देश एवं जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन देश ता छड़ा कनाडा भी रही पोलैंड रही एवं संपूर्ण यूरोपियन यूनियन रही या बाहर भारत जापान ये किसी देशर मध्य प्रकृत बा स्पष्ट समर्थन रही। सेम जदि आम देखा ताले कौ मैंने अच्छा इस्राएल सपक्ष छड़ा आउ हमास सपक्ष कौ मैंने रही ना हमास सपक्ष आम जब कह ईरान रही जो ईरान ना निजे नहीं किए ना बेंजामिन नेतान्याहू स्पष्ट भाव में कहते जे ईरान हूँ आक्रमण हमास आक्रमण पछरे प्रकृत भिलेन हूँ ईरान। भारत इस्राएल को समर्थन करिथिबा कहिछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को फोन जोगे कथबार्ता करछथि। इस्राएल प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करथिले युद्ध स्थिति नै मोदी को अवगत कराइछथि नेतान्याहू। हमास आक्रमण पर किभली रहिछि स्थिति किभली आतंकवादी को पाल्टा जवाब देछि इस्राएल से नै सूचना देछथि नेतान्याहू। फोन करी अपडेट देथिबारु धन्यवाद जणाइछथि मोदी। ए कठिन समय रे भारत और इस्राएल सह अच्छी बोली मोदी कहते हमास आतंकवादी हमला पर भारत इस्राएल एभली कष्टदायक समय रे छिड़ा होईछि। पूर्व एने इस्राएल ट्वीट कर धन्यवाद जणाइछि। एवं मोदी कथा युद्धर वर्तमान स्थिति को नहीं आलोचना करछन्ति नेतान्याहू। वर्तमान जो दुईटी वर्ग है तृतीय विश्वयुद्ध जपरी संपूर्ण गोटे प्रकार मैदान तैयारी हो जाए। वर्तमान जमी नरेंद्र मोदी सीधासख कथबार्ता होती नेतान्याहू सहित एवं से वर्तमान भारत जो साथ दे तार स्टंट थिला जे आमे आतंकवादी विरोध में सबुले कार्य करूँ शांतिप्रिय राष्ट्र हिसाब से, तेणु हमास को संपूर्ण निश्चिन्न करने नेतान्याहू जो शपथ नहीं से वर्तमान भारत साथ अच्छी एवं भारत सहित तो अन्य देश मैंने जो आम डेभलपिंग कंट्री कथा कहूँ अमेरिका कथा कहूँ समस्ते साथ अच्छा। इस्राएल में जो परिस्थिति लग रही ताकूने केवल पश्चिम एशिया नुहे बर समग्र विश्व चिंतित हो पड़ी से लड़े भितर आरंभ हो कूटनैतिक महापर्व। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। गाजा रे होइथिबा बोमा बर्षण अमेरिका और रूसिया को सामना सामनी छिड़ा करी देछि। रूसिया कहवा कथा पश्चिम एशियार यह युद्ध विश्वर बाकी अंश को व्यापी पारे, तेबे कोन सतरे रूसिया एभली वार्निंग देवार प्रयास करिछि द्वारा इस्राएल तृतीय विश्वयुद्धर एपी सेंटर पलटि जीव। कारण इस्राएल पालेस्टाइन युद्ध एबे एमिति एक मोड़ नेबाकू बसिछि जहाकू देखि अमेरिका मध्य छाया युद्ध आरंभ करि दैछि। गाजा रे अत्यंत भयंकर स्थिति, दिन राति बोमा बर्षण करुछि इस्राएल। शताधिक लोक प्राण हराइलेनी। निज उपरे होइथिबा आक्रमणर कड़ा प्रतिशोध नेबाकू चाहूछि इस्राएल। एही कारणरू एबे इस्राएलर बोमा हमास और साधारण लोकंक मध्यरे किछि फरक मारि पारुनी। वर्तमान हमास रे जेते भी आक्रमण होइछि भांगी जाइथिबा बिल्डिंग रो भग्नावशेष तळु लोकंकू उद्धार करा जाउछि। फलरे पालेस्टाइन रो क्रोध मध्य ढेर गुणा बढ़ि जाइछि। مركز المعلومات في وزارة الصحة استشهاد 413 مواطنا منهم 78 طفلا। प्रश्न उठुछि आगको कोन हेबो? यार उत्तर हेउछि जेतिकि भी आक्रमण हेबो सेतिरे उभय पक्षर ही क्षति हेबो। गाजा को बंचाइबा पई विरोध प्रदर्शन मध्य करा जाउछि। हजार हजार लोक रास्ता को ओह्लाइछन्ति। इस्राएल समेत अमेरिका विरोध में नाराबाजी करा जाउछि। المقاومة في العراق ننتظر فقط الأوامر التي تصدر من القيادة لكي نلبي بكل فرح وسرور ونقف صف جنبا إلى جنب مع أخوتنا في المقاومة الفلسطينية। ईरान समेत लेबानन में मध्य गाजा पई समर्थन बढ़िबार लागिछि। किंतु इस्राएल भितरे परिस्थिति गंभीर होइछि। अनेक लोकंक मृत्यु परे इस्राएल एबे आरपार लड़ाई पई प्रस्तुति आरंभ करिछि। आई इस्राएल सबुठु बड़ टार्गेट होछि गाजा आ सेठार थिबा हमास आडा। किंतु इस्राएल को तीन पटु बड़ युद्ध धमक आसी। लेबानन रो आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला इस्राएल उपरे आक्रमण करने को चेतावनी देछि। इराक रे ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन मध्य इस्राएल को धमक दे सारिछि। सीरिया भी पछरे पड़िनी। सेहिपरि इजिप्ट, साउदी आरब, तुर्की आदि देश गाजा को बंचाइबाकू एबे सरकार को उपरे चाप पकाउछन्ती। एभली परिस्थिति रे बिडेन इस्राएल प्रधानमंत्री को फोन करी निजर समर्थन जणाइछन्ती। यापरे अमेरिकार सबुठु बड़ बुड़ाजहाज मध्य पूर्व भूमध्य सागर को पठाई दैछि वाशिंगटन। अमेरिकार एही अस्त्र को भेद करिबा बड़ बड़ देश पई काठीकर पाठ। एभली एक बड़ मेसेज देबाकू अमेरिका निजर एक फाइटर पावर मध्य इस्राएल को पठाइछि। फोर्ड श्रेणीर यह शक्तिशाली जहाज हेउछि अमेरिकार यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। एथिरे तिकोन दोरगा मिसाइल क्रूजर रही। सेहीपरि एथिरे आलेर्क बर्कर 4टी डेस्ट्रॉयर मिसाइल रही। एमिति बुड़ाजहाजर सहायता करने साथी सप्लाई शिप रही थाए। पानी भितरे शत्रु को रोकने को एथिरे परमाणु बुड़ाजहाज रही थाए। केवल एतिकी नुहे समुद्र भितरे बड़ ऑपरेशन करी अमेरिका सीरिया उपरे मध्य बोमा वर्षा करिपरिबो। यासह लेबानन सीमा को मध्य सैनिटाइज करिपरिबो वाशिंगटन। One thing that is really important in terms of the munitions in particular and our ability to support both potentially the Israelis and the Ukrainians simultaneously is additional funding from Congress to be able to increase our capacity, in terms of our capacity to expand production and then to also pay for the munitions themselves. एबे अमेरिकार एही जहाज भूमध्य सागर में महदूद रहिबो आ सेठारु ऑपरेशन आरंभ करिबो। ताहार रेंज रे तुर्की सीरिया और इजिप्ट मध्य रहिबो। सेहीपरि एठारु एही जहाज इजराइल एयर स्पेस को सुरक्षित रखी आवश्यक पड़े आक्रमण मध्य करिपरिबो। तबे पूर्वरु एभली ऑपरेशन अमेरिका इराक रे करथिला। अफगानिस्तान रे मध्य ऑपरेशन करिबा सह ईरान को बारंबार धमक देइ आसुछि अमेरिका। एभली क्षेत्र में इस्राएल को वाशिंगटन जेराल्ड फोर्ड जहाज पठाई एक भयंकर युद्धर संकेत देछि। तबे अमेरिकार एही फोर्ड क्लास क्यारियर विश्वर सबुठु बड़ क्यारियर। यहाकू CVN-78 मध्य कहुए। यह 1 लाख टन ओजन बहिबार क्षमता रखिछि। भारतर INS विक्रांत यार अधा ओजन रु कम। यह न्यूक्लियर पावर रे चली थाए अर्थात यार रेंज अनलिमिटेड। दुनियार जेकोसी कोण अनुकोण को यह पठा जाई परबो। यह समुद्र रे घंटा प्रति 56 किलोमीटर बेगरे मध्य गति करि पारे। एथिरे 3900 सैनिक मुतयन होई परिबे। सेहीपरि एथिरे 90टी हेलिकॉप्टर और विमान रखा जाई परिबो। एथिरु सुपर हॉर्नेट और F-35 स्टेल्थ फाइटर मध्य ऑपरेट करा जाई परिबो। पास यूरोप और बाकी ठिकानों के आसपास फाइटर जेट तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है ताकि इजराइल पर कोई हवाई हमला न कर सके। इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है और इजराइल के हवाई अड्डे पहले से ही एक्टिव है। अमेरिका के वायुसेना से इजराइल को अब एक नई ताकत मिलेगी। A-10 थंडरबोल्ट विमान मध्य रही जहाँ स्थलभागे टैंक को नष्ट कर सामर्थ्य रखे। ए विमान को फ्लाइंग टैंक कहुए। या ऊपर छोट छोट गुड़गोलार प्रभाव आदौ पड़ न थाए। अमेरिकार F-15 और F-16 लढ़ुआ विमान मध्य जहाज में रही किंतु इस्राएल को बचावा अमेरिका यह जहाज रे जो विमान पठाई ताकि F-35 लढ़ुआ विमान। यह विमान इस्राएल पाखरे भी अच्छी किंतु इस्राएल पाखरे यह श्रेणी विमान मात्र 40टी अच्छी। आगक जदि भयंकर युद्ध हुए तेबे अमेरिका यह श्रेणी लढ़ुआ विमान इस्राएल को जोगाई देबो। तबे F-35 लढ़ुआ विमान हेउची 5म पीढ़ीर मल्टी रोल कम्बाट एयरक्राफ्ट। यार मूल्य हेउची 1000 कोटी टंका। यह हेउची अमेरिकार सबुठु महंगा लढ़ुआ विमान। यह होची एक स्टेल्थ फाइटर जहाँ को राडार ट्रैक कर आधुनिक सिस्टम रही जो राडार और सेंसर लगी। यह व्यतीत यह विमान पायलट को हेलमेट मूल्य होची 3 कोटी टंका। यह इंटरनल वे रे अस्त्र को लुचाई रखि थाए एवं दरकार समय मिसाइल फायर करि थाए। यार बेग होची घंटा प्रति 2000 किलोमीटर और एथिरे 10टी आंटीना लगी जहाँ शत्रुपक्षर खबर देबारे सहायक होता है। यूनाइटेड स्टेट्स तार असेट्स मिलिटरी असेट्स भी पठाई सारे एयरक्राफ्ट क्यारियर ए ह्यूज फ्लोटिंग आर्मी पठाई सारे अलरेडी। सो इजराइल रो स्ट्रेंथ वन कैन इमेजिन। अमेरिका एबे प्राय 1000 मिसाइल इजराइल को पठाई। आगकू जदि यही युद्ध लगी रुहे तेबे अमेरिका इजराइल पक्षर ही युद्ध कर यूक्रेन युद्ध भली फायर कर। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। रे द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हेबा परे युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति हैरी ट्रुमैन एक बयान देइथिले। इहुदीवाद सपक्षरे मत देई से कहिथिले जे पलातक यूरोपीय इहुदी मानकू काल विलंब न करी पालेस्टाइन ने बसवास करबाकू अधिकार दिया जिबा उचित। आ एहा परे जातिसंघर हस्तक्षेप एवं परवर्ती समय रे विभाजन व्यवस्था केउठी ना केउठी एह भयंकर युद्धर मंजी पोतुथला। आ एबे सही अशांतर ज्वाला तृतीय विश्वयुद्ध को आमंत्रण करबा पई अंटा भिड़ुछि। आज स्पेशल रिपोर्ट रे एतिकी नमस्कार।